हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं हम सीजीपीएससी का पूरा सिलेबस आपको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करा रहे हैं। रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप यूपीएससी का हो, पीएससी का हो, व्यापम का हो, एसएससी, कोई से भी एग्जाम हो, उसमें आपका ये यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन आपके पूछते ही पूछते हैं। जैसा आपको पहले बता दिया गया है, रीजनिंग का जो पोर्शन है आपके सीजीपीएससी के सीसेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें आपको, और रीजनिंग स्ट्रांग होगा तो आपका सीसेट निकलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे। ए से लेकर जेड तक जो भी आपका अल्फाबेट हुआ, उस अल्फाबेट को सीरीज में एक नंबर पर जेड, एक नंबर पर जेड के बाद सीरीज वापस ए से चालू होता है। ऑपोजिट लेटर्स, ये सब पहले से आप अपने कॉपी में क्या कर लेंगे, लिख के रखेंगे, तो क्या होगा, आप जब उसको सॉल्व करने एग्जाम टाइम बैठेंगे तो आपको बहुत सा समय आपका बच जाएगा। इसी सीरीज को चालू करते हुए आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर। ये आपको बोल रहा है रिमोट, तो आपको एक दिया हुआ है रिमोट, ये आपको दिया हुआ है रिमोट, ठीक है। रिमोट का आपको लिख रहा है के वाई एस पी जी और एस लिखा है, ठीक है, ये आपको लिखा है आपको। आप जब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे ना, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको आर को डिकोड करके यहीं पर लिखे या ई को डिकोड करके आपको यहीं पर लिखे, तो उसमें क्या होगा, एक आपको प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्वेंस चलेगा। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि ये जो आपका अल्फाबेट का जो सीरीज चल रहा है, जैसे जड़ के बाद ए बी सी डी चालू हो जाता है, तो आपको ये देखना है आर दिया है तो आर के सबसे नजदीकी लेटर कौन सा और कहां पर दिया हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको डिकोड करके आपको इस तरीके से दे, हो सकता है कि आपको ऐसा डिकोड करे या हो सकता है कि आपको दो दो तीन तीन लेटर को डिकोड करे, आपको ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो जब बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहां पर आइडिया हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं आर को यहां पर लिखा है के, तो जब आर को के लिखेंगे तो यहां पर गैप क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया और पीछे चल रहा है, तो गैप इतना ज्यादा नहीं होता, बेसिकली तीन चार पांच का गैप होता है, छह का, उससे ज्यादा गैप नहीं होता। तो हम देखें कि यहां पर देखते हैं ई को, हम यहां पे देखें आर को यहां पर क्या लिखा है एस, ई को लिखा है जी, तो अब क्या देखेंगे तो नजदीक ई के नजदीक यहां पर वाई आ रहा है और ई के नजदीक एस और ई के नजदीक यहां पर क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो मैं इस अल्फाबेट में देखा तो ई के सबसे नजदीक कौन सा आ रहा है, जी आ रहा है, तो मुझे एक आइडिया हो गया कि डिकोड कहां से हो रहा है, अपने को बैक हैंड से अपना डिकोड हो रहा है, और हमको लिखना क्या है, हमको लिखना है मोबाइल को लिखना है, मोबाइल को लिखना है। तो हमने सीक्वेंस यहां पर पकड़ लिया है, आर को एस, ई को जी और एम को क्या लिख रहा है पी, एम को पी, मतलब आगे का लिख रहा है पहले यहां पर आर को एस, जस्ट बाद वाला अक्षर ई को जी, एक अल्फाबेट छोड़ के दूसरा, ठीक है, फिर क्या है एम को पी, तो दो अक्षर छोड़ के आपके पास तीसरा अल्फाबेट, तो गैप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो एम को देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा एम के बाद यहां पर क्या हो जाएगा एन, ओ के बाद क्या होगा यहां पर क्यू, तो लास्ट में क्यू एन किस में है, तो हम ऑप्शन देखें तो लास्ट में क्यू एन कहां पर है, ए किसी जगह है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अब आगे मिला के देख लेता, बी की बारी आती है, तो बी में आएंगे जब दो अल्फाबेट छोड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा ई आ जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा। अगर सपोज आपको क्यू एन वाले आपको ऐसे दो ऑप्शन मिलते हैं, देन यू हैव टू मूव फर्दर और बाकी आप आगे मिलाते रहेंगे और साथ में ऑप्शन को भी देखते रहेंगे। क्लियर पहला वाला, ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ये आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता रहा हूं रीजनिंग के जो वीडियोस होने वाले वो बहुत शॉर्ट होने वाले और काम के होने वाले, एग्जाम के हिसाब से जो आपका इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं। अब यहां पर आपको दिया हुआ है क्या क्या दिया, आपको दिया हुआ है पेन और टेन, पेन माइनस टेन, पेन माइनस टेन हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू यहां पर क्या बोला, पेन माइनस टेन को यहां पर क्या लिखा है, जीरो लिखा है। पी का देखे, पी का पोजीशन कितने नंबर पर है, पी को अपन देखे तो 16 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, एन 14 नंबर पर है, तो 16 5 21 और 14 कितना हो गया 35, टी है 20 नंबर पर, ए है 1 नंबर पर, एन है 14 नंबर पर, यहां पर भी प्लस के को तो क्या हो गया 35,
तो 35 माइनस 35, तो इसका वैल्यू यहां पर क्या दिया हमको, यहां पर जीरो दिया है। ठीक है, जो भी उनका पोजीशन लिखा हमने उस पोजीशन को लिखा, और उस पोजीशन को लिखने के बाद हम यहां पर क्या करते हैं उसको हम देखते हैं कि जो आया है उनका सम, दोनों को माइनस कर देते हैं। हमको बोला है कि डेन और कॉप को लिखना है, तो डी जो है आपका डेन माइनस कॉप को लिखना है। तो डी है आपका 4 नंबर, ई है 5 नंबर, एन है आपका 14 नंबर। 4, 5, 9, 9 और 14, ये आपका 23। माइनस सी है आपका 3, ओ है 15, ये है 2। 3, 2, 5 और 15 कितना हुआ 20। 23 में से 20 गया तो कितना बचा 3, तो ये हमारा आंसर होगा 3। क्लियर दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बायोलॉजी, वाई आर एल ओ एल टी और बी, ये देख के समझ में आ रहा है, बी वाई आई आर ओ एल ओ एल जी टी वाई बी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हम जानते हैं ऑपोजिट लेटर होता है। ए का ऑपोजिट यहां पर क्या होता है जेड, बी का ऑपोजिट क्या होगा वाई। ऑपोजिट लेटर मतलब क्या होता है, सामने से ए पहले नंबर पर है और पीछे से जेड पहले नंबर पर है, सामने से बी दूसरे नंबर पर है, पीछे से यहां पर वाई दूसरे नंबर पर है। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट लेटर बोलते हैं। एक बार काउंटिंग आगे से, वही काउंटिंग क्या होगा हमारे पास पीछे से होगा, उसी को हम बोलते हैं ऑपोजिट लेटर। ठीक, तो हम देख के समझ में आ गए, बी को यहाँ पर वाई लिखा है, आई को यहाँ पर क्या लिखा है आर लिखा है, ये पोजिशन अपन देख के समझ गए। और हमको लिखने बोला फिजिक्स को, पी एच वाई एस आई सी एस को लिखने बोला। ठीक है भाई, तो पी को अपन क्या लिखेंगे के, H को क्या लिखेंगे H S, Y को B लिखेंगे, S को H लिखेंगे, I को I K, sorry I R C C X, S को अपन क्या लिखेंगे H। तो K S B, K S B का ऑप्शन है क्या, हाँ K S B H R, ठीक K X B H R X H, X R X H, अच्छा दो ऑप्शन हो गया ना, के एस बी एच आर एक्स एच के एस बी, इसको कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा मतलब ये दोनों ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे ये आर होना था यहाँ पर, ठीक है ये आर था, तो देख लीजिएगा अपना आंसर होगा। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट का टॉम, टाई द शूज, कॉल ऑफ फूड, शूज ऑफ लेदर, लो नीट लोट, लेदर एंड डेंसिंग। ठीक है, चलिए हिट का टॉम, टाई द शूज, ठीक, का लो फूड, का लो फूड, ये आपको क्या लिखा है, शूज ऑफ लेदर। ठीक है, हिट का है वो, है ना, हिट का टॉम। और तीसरे यहां पर क्या दिया, लो टिन लोट, लो टिन
लोट ये आपको यहां पर क्या बोल रहा है? टाई द शूज। अच्छा टाई द शूज रिच ऑन लेदर एंड डेक्सिल, लेदर एंड रेक्सिल। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारा इक्वेशनल डिकोडिंग होता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे 1 2 3 करके देता है, ये आपको एक कोड लैंग्वेज आपको देगा। ये दोनों में देखा हमने कॉमन, तो यहाँ पर के ए कॉमन है, तो यहाँ पर और इसमें क्या कॉमन है? शूज। तो मैं एक चीज कंफर्म बोला कि जो के है ना वो आपको शूज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये दोनों को देखा तो यहाँ पर LO कॉमन है, तो ये दोनों में LO कॉमन है, और ये दोनों में देखा यहाँ पे लेदर कॉमन है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो LO है ना ये आपको लेदर का है। यहां तक हमारे पास केस हुआ। अब ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कोई चीज कॉमन हमको दिख रहा है। आपको क्या बताना है कि ऑफ किसको डिकोड कर रहा है, आपको ये बताना है। यहां पर एक बज गया है ऑफ और यहां पर एक बज गया फोर्ड, तो ऑफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां पर फोर्ड को करेगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में अगर सपोज मान लो बोलेगा कि हिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर आपके पास एक के बदले एक ही बचा तो कंफर्म आंसर है। अगर बोलेगा हिट किसको करेगा तो यहां पर ये तो निकल चुका है, ये तो हमारे पास आउट हो चुका है, तो बचा यहां पर क्या होगा? टाई या फिर क्या होगा? यहां पर दा होगा। उसी प्रकार हमको बोलेगा कि टॉम किसको बोलेगा तो क्या हो जाएगा? टाई या फिर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। और अगर बोलेगा टाई किसको रिप्रेजेंट करता है तो हिट या फिर क्या होगा? टॉम होगा। तो बहुत बार आपको ऐसा भी देता है कि जहां पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे या वाले होंगे, ऐसा बहुत बार आपको करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले ही किया था, थोड़ा दिमाग लगाइए। देख के समझ में आ गया, यू एफ एन एम सी एक्स ओ एल वी ई मतलब ऑपोजिट लेटर चल रहा है, तो टिप टी का क्या हो जाएगा? टी का ऑपोजिट क्या होता है? जी जी टी आई आर इंडियन रेलवेज। ठीक, तो जी आर, तो जी आर वाले कितने ऑप्शन? एक ही है, और पी का ऑप्शन क्या होगा? के पी केविन पीटरसन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? जी आर। अच्छा पी तो दिया है ना, तो जी आर के, ये हमारा आंसर। नाउ द नेक्स्ट कैशियो। कैशियो को लिखा हुआ है 3119915, तो सिटीजन को लिखना है। देखिए सी का पोजीशन अपन देखेंगे तीसरे नंबर पर, सी 3 पर है, ए 1 पर है, एस 19 पर है, आई 9 पर है, ओ 15 पर है। सो सिटीजन अपन देखेंगे तो सी कितने नंबर पर है? 3 से स्टार्ट होगा, सारे ऑप्शन 3 से वाले हैं। आई कितने नंबर पर है? आई है आपका 9, टी है हमारे पास 20, 3 9 20 वाला कौन सा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा 3 9 20 वाला, 3 9 20 वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा आपको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर सपोज आपको ऐसे एक से ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं देन वी हैव टू मूव फर्दर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। टायर्ड 56, ब्रेन 44, और हमको लिखना लेजी को। आपको ये जरूरी नहीं कि आपको सेकंड वाला भी आपको दे, ये आपको एक हेल्पिंग फैक्टर के रूप में देता है कि आप सेकंड को भी आप वहां पर चेक कर सके। ठीक, बहुत कम चांस होता है कि आपको फर्स्ट में ना बने तो आप सेकंड में जाओ। ठीक, टायर्ड को हम देखेंगे बीस नौ 18 5 4, 5 4 9 और 18 27, 27 और 9, ठीक है ना? हाँ, आई कितने नंबर पर है? आई 9 नंबर पर है, टी 20 नंबर पर है, आर 18। ठीक,
पांच और चार नौ, ठीक है ना भाई, पांच चार नौ, पांच चार नौ, नौ अठा सत्ताईस, ठीक, सत्ताईस और नौ कितना हो जाएगा, छत्तीस, छत्तीस और ये करेंगे कितना हो जाएगा, छप्पन, ठीक, प्लस के तो क्या हो जाएगा, छप्पन। लिखना है लेजी को, एल, एल कितने नंबर पर है, एल है आपका बारह, है ना, जे के एल, ए है एक, जड है छब्बीस, वाई है आपका पच्चीस, यही है, ठीक, ये इसको दिए छब्बीस छब्बीस बावन, बावन और बारह कितना हो गया, चौसठ, सिक्सटी फोर दिया है ऑप्शन में, यस इट हैड गिवन 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दिया रेन, अब मैं अगर मैं रेन को देखूं तो कुछ चीजें देख के समझ में आ गई, कि भाई R को अगर मैं O से डिकोड किया और A को मैं H से किया तो A और H में बहुत लंबा गैप है, A और H में बहुत लंबा गैप है, बेसिकली गैप चार पांच का होता है, ठीक है, और I से देखा तो B गैप और सारी वन है। R को डिकोड किया Q से, R को Q से उसके जस्ट पहले वाला, A को B से उसके जस्ट बाद वाला, I को H से उसके पहले वाला, N को O से उसके बाद वाला, एक बार पहले वाला उसके एक बार बाद वाला। अब लिखना है समर को, R को Q पहले पीछे वाला, तो S को मैं क्या लिखूंगा, S को मैं लिखूंगा R, U को क्या लिखा जाएगा, U को लिखा जाएगा V, लास्ट में VR वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है VR वाला लास्ट में, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब अगर सपोज लास्ट में वी आर वाले सपोज एक से ज्यादा हो गए, देन यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मतलब एक बाकी अपन इसी वे में आगे बढ़ते रहेंगे। अगला, पनिश्ड, पी हमने देखा 16, यू हमने देखा 21, एन हमने देखा 14, आई हमने देखा 9, एस हमने देखा 19, एच हमने देखा 8, ई 5, 5 4 9 17, 36, 45, 59, 80, 96, यहां पर आपको 96, लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया है 288, तो 96 से 280 का संबंध कैसे आ रहा है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 288 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। मुझे लिखना है रिलीज्ड को, क्या लिखना है, रिलीज्ड, R E L E A S D, तो R कितने नंबर पर हुआ, R हुआ आपका 18, E हुआ 5, L हुआ 12, E हुआ 5, A हुआ 1, S हुआ 19, E हुआ 5, D हुआ 4, ठीक है, 5 4 9, 9 9 18, 18, 18 एक 19, 19 5 24, 24 2 26, 26 5 31, 31 और 5, 31 और 8 39 का 9, कैरी फॉरवर्ड 3, 3 एक 4, एक 5 एक 6, 69 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो 207, ये मेरा आंसर आ गया 207। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमको दिया है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट को लिख रहा है एल के आर एन आर,
आपको पहले ही बताया हूं, आपको अल्फाबेट का जब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आप सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है और अपोजिट लेटर कौन सा, ये आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, चलिए ट्राई करिए। हमको लिखना है पेसिमिस्ट को, ठीक है। पेसिमिस्ट, देखिए ऑपोजिट लेटर, ये दोनों ऑपोजिट लेटर हैं और ये दोनों ऑपोजिट लेटर हैं। ठीक, तो वैसे पी का यहां पर क्या हुआ, के हुआ, ई का यहां पर भी, केबी से कौन सा ऑप्शन चालू हो रहा है, एक ही ऑप्शन चालू हो रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अब अगर सपोज मान लो दो ऑप्शन चालू होते हैं तो अपन क्या देखेंगे, एस और टी को अपन देखते हैं। ठीक है, एस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एस का ऑपोजिट एच होगा और टी का ऑपोजिट यहाँ पर क्या होगा, टी का ऑपोजिट जी। लास्ट में एच जी देखते थे, ये भी यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये उल्टा किया है, इसको यहां डिकोड किया, यहां पर इसको किया, यहां पर इसको किया, यहां पर इसको, तो सिमिलरली ई को यहां पे करेगा, एस को यहां पे करेगा, ये इस तरीके से डिकोड हो रहा है। हु आर यू, हु आर यू, फोर थ्री इक्वेशनल डिकोडिंग है, दे इज यू 485, यू कॉमन है तो अभी से यू को निकाल देते हैं, यहां पे 4 कॉमन है, यू क्या हो गया 4, दे आर डेंजरस। ठीक, दे आर डेंजरस का अनुपात क्या है, 295, 295, 5 कॉमन है, दे कॉमन है, ठीक है, आर कॉमन है, 2 कॉमन है, बच क्या गया है, 9 किसको करेगा, डेंजरस को, 8 किसको करेगा, ईस्ट को, और 3 किसको करेगा, पूछा डेंजरस, तो क्या हो जाएगा, 9 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर्स 682145 स्टैंप 28169 पे स्लिप, इसमें अपन देखेंगे ये जो वर्ड पेस्ट बन रहा है ना, वो इसी P A S T और E से बनता है, तो हम यहां पर देखेंगे तो जब बात होगा पेस्ट का, तो P को यहां पर देखा, P को 5 से डिकोड किया है, ठीक है ना, स्टैंप P को 9 से डिकोड किया, P को यहां पे किया, ठीक है, फिर A, ए को यहां से लिया है, ए को 98 वाला कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा होगा। आगे भी अपन मिला के देख लेते हैं, एस को देख लेते हैं, यहां पर एस आया है, एस मतलब सबसे पहला और यहां सबसे पहले यहां पर क्या 2 है, ऑटोमेटिकली वहां पर वो क्या हो जाएगा, मैचअप हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग क्या करेंगे, आगे के और पीछे के 2-3 मिला लेंगे, अगर वो फिट बैठ गया तो ऑप्शन वो टिक करेंगे, ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो। लेकिन अगर सपोज ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है तब आपको पूरा सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा। अगला,
ये आपको दिया ट्रेजन, ये हेल्प करें साथ में, जैसे बोले यहां पे ट्रेजन को आपको यहां पर क्या बोल रहे, ये लिखा हुआ है, और पोल्ट्री को आपको ये लिखा हुआ है, तो ये हेल्पिंग के लिए दिया ताकि आपको हेल्पिंग लिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो या तो आप ये लेके चलो या तो वो लेके चलो, दोनों यहां पर क्या होगा सेम आपका वर्स वही होगा, ठीक है। तो ट्रेजन को अपन देख लेते हैं, टी आर ई ए एस ओ, हमने ट्रेजन को देख लिया, आर के डब्ल्यू डब्ल्यू आई एन और एक्स, ठीक। ये हम जानते हैं कि जर्ड खत्म होता है, फिर यहां से एबीसीडी का सीक्वेंस आपका चालू हो जाता है, ठीक है। टी से आर और आर से के, टी से आर और आर से के गैप थोड़ा सा अनइवन हो गया, टी से एक्स, टी से एक्स तीन छोड़ के उसके बाद वाला, आर से एन तीन छोड़ के उसके पहले वाला, E से I तीन छोड़ के उसके बाद वाला, ठीक है ना। तो अपने को लिखना नंबर को N U M B E R, हमको नंबर को लिखना है, N को तीन छोड़ के उसके बाद वाला R, तो यहां पर R आएगा, लास्ट में R वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। U को तीन छोड़ के उसके पहले वाला Q, देख लीजिए यहां पर Q आ गया, ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस आपका बन जाएगा उस हिसाब से। तो आपको आइडेंटिफाई आपको करना सीखना है कौन सा नजदीक है कौन सा दूर का है, तो आपकी आधी आधी दिक्कत आपको वहीं पर दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट, क्विकली ओ एस जी ए आई जे डब्ल्यू, क्यू को ओ जस्ट पहले वाला, यू को एस जस्ट पहले वाला, आई को जी, है ना, एक छोड़ के मतलब वही वाला सीक्वेंस चल रहा है। आपको लिखना क्या है, एच यू, एच को एक छोड़े थे यहां पर एफ, एफ से एक ही ऑप्शन शुरुआत हुआ है ये वाला, अगर मान लो ऐसे दो ऑप्शन चालू होते हैं तो यू से पहले एक अंक छोड़े तो एस, ई से अपन एक छोड़े तो सी, एफ एस सी, ये हमारा ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्या होगा आइडिया होना चालू हो जाएगा कि किस अल्फाबेट को डिकोड करके कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। ऑपोजिट लेटर चल रहा है और क्या गैप का सीक्वेंस चल रहा है, ये एक बार आपको देखते देखते आइडिया हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंटेंस प्रैक्टिस मांगेगा। अब लिखा बाप्टिज्म को, क्या लिखा है, डी सी आर वी के यू ओ, बी को डी एक अल्फाबेट छोड़ के उसके बाद वाला, ए को सी एक अल्फाबेट छोड़ के उसके बाद वाला, पी को आर, अच्छा ये सीक्वेंस चल रहा है एक अल्फाबेट छोड़ के उसके बाद वाले को लिख रहा है और हमको बोला है कोड करना है टिन को, टिन में अगर टी को एक अल्फाबेट छोड़ के आया तो क्या हो जाएगा बी, बी वाला कितने ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे मिला के भी देख लेते हैं, आई के बाद एक छोड़े तो यहां पर क्या होगा के, एन के बाद एक छोड़े तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, वी के पी, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है। फर्दर लेट कम्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया हम्बल्ड, हम्बल्ड को क्या लिख रहा है अपने पास, हम्बल्ड को यहां पे लिख रहा है हम्बल्ड, जे डब्ल्यू ओ डी एन जी और ठीक है भाई, एच को जे, एच को जे एक छोड़ के उसके बाद वाला, U को W एक छोड़ के उसके बाद वाला, M को O एक छोड़ के उसके बाद वाला, ठीक। तो सिंपल है, आपको वैक्स लिखना है W के बाद एक छोड़ के Y, Y से कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, A के बाद C होगा और X के बाद क्या होगा, Z होगा, ऑटोमेटिकली Y C Z ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला ट्राउट, टी आर ओ यू पी ई। अब आपको देख के मैं क्या समझ में आ रहा होगा, जी आई एल एफ के वी ई वी पी के यू एफ, ऑपोजिट लेटर्स हैं, ऑपोजिट लेटर्स हैं, तो हमको जीनस लिखना है, तो जी का ऑपोजिट क्या हुआ टी, ई का ऑपोजिट वी, टी वी वाले कितने ऑप्शन है, एक ही, अच्छा दो ऑप्शन है, एन का ऑपोजिट एम, टी वी एम वाले, अच्छा इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे यहाँ यहाँ तक दो चीज कॉमन आ चुका है, ठीक है, ठीक है भाई। आई का आर, यू का एफ, एस का जी, आर एफ जी है ना, यही ना, सॉरी एस का, सॉरी एस का एच, एस का एच, आर एफ एच, ये हमारा। नाउ आउटलाइन, अब आप देख के समझ गए होंगे, O से Q, U से W, T से V, L से N, मतलब एक एक छोड़ के उसके बाद वाला है और आपको लिखना बोला है मैन को, M N छोड़े तो क्या हो जाएगा O, O से एक ही ऑप्शन है O C O P O C P, ये हमारा Ponders, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक था इसमें ना, अगला देख लीजिए, वो उसमें वो एस को काटना था, नहीं काटे इसमें, इंप्लोर, जी के एन जे एम पी सी, इंप्लोर, जी के एन जे एम पी सी, आई को जी, अच्छा एक छोड़ के उसके पहले वाला, एम को के एक छोड़ के उसके पहले वाला, पी को एन एक छोड़ के उसके पहले वाला, ठीक है, तो अपने को लिखना है हब को, एच को अपन एक छोड़ के उसके पहले वाला, एफ, यू को एक छोड़ के उसके पहले वाला, एफ एस वाला कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये हमारा। लिखना है ईगो को पी के आर आई एल ओ
जे क्यू ईवी अपोजिट लेटर चलना चालू हो गया है तो क्या हो जाएगा ई का वी, वी से अपना एक ही ऑप्शन है, अच्छा दो ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन, जी का टी ओ का एल वी टी एल, ये हमारा आंसर हो जाएगा वी टी एल। चैंटेड जट के बाद फिर अपने पास चालू हो जाएगा ना ए बी सी। ठीक अब देखते हैं चैंटेड, सी एच ए एम टी ई ऑन चैंटेड भैया लिख रहे हैं जेड ई एक्स के क्यू बी और ए। ठीक है सी को अपन देखते हैं जेड लिख रहे हैं दो छोड़ के उसके पहले वाला, ठीक है H को E दो छोड़ के उसके पहले वाला, A को X दो छोड़ के उसके पहले वाला, N को K दो छोड़ के उसके पहले वाला। ठीक अपने को लिखना है मे को, तो जब M में आएंगे M को दो छोड़ के उसके पहले वाला K, K वाला कितना ऑप्शन है ना अपने को मे लिखना है। ठीक है भाई K यहां वाला K वाला कोई ऑप्शन है क्या, नहीं सी को अपन जेड लिख रहे हैं ना, ठीक है सी को अपन जेड लिख रहे हैं, एच को अपन लोग क्या लिख रहे हैं, एच को अपन लिख रहे हैं ई, तो ए को अपन लोग क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे दो छोड़ के सॉरी मैं लिखना है ना, हाँ एम में अपन देखेंगे तो दो एम में अपन देखेंगे दो छोड़ के, एम में अपन दो छोड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा जे होगा ना, ए में अपन दो छोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स होगा, जे एक्स वाला कितना ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक हीरोइज्म ये आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन सेम टाइप के प्रैक्टिस और आपको ऑपोजिट वाला इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ऑपोजिट वाला आप ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है और आपको आगे पीछे करके आपको पूछ रहा है, जैसे अभी ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ना याद रखिएगा, अभी आपको जो लेवल चला गया है ना फिर से बता रहा हूं, ये लेवल एक्सपेक्ट करिएगा इस बार के एग्जाम में है ना, एकदम सिंपल आपको डिकोड करके नहीं बोलेगा, ऑपोजिट लेटर के बहुत ज्यादा चांसेस है पूछने के और ऑपोजिट को भी सेम उसी जगह डिकोड नहीं करेगा, आपको ऑपोजिट डिफरेंट डिफरेंट जगह डिकोड करेगा उस चीज को याद रखना आप। ठीक है एच एस ई वी तो ए एल पी, ए का ऑपोजिट जेड, एल का ऑपोजिट ओ, पी का ऑपोजिट के, जेड ओ के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नाइट, ओ डी डी जी अच्छा एन को ओ, एन को ओ जस्ट बाद वाला है ना और ओ को डी तो बहुत लंबा गैप है, गैप ही आने वाला है। ठीक अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, एन को एम एक पहले वाला, एन को एम एक पहले वाला, आई को जी एक अल्फाबेट छोड़ के, जी को डी दो अल्फाबेट छोड़ के, एच को डी तीन अल्फाबेट छोड़ के और टी को ओ चार अल्फाबेट छोड़ के। ठीक है ना हमको क्या लिखना है, ग्रीन को लिखना है
जी आर डबल ई एन, हमको ग्रीन को लिखना है। जी में अपन एक अल्फाबेट छोड़ के वापस आए तो एफ, लास्ट में क्या चाहिए, एफ चाहिए। एक ही ऑप्शन है ये वाला, बाकी मिला के देख लेते हैं। आर के बात करेंगे तो एक अल्फाबेट छोड़ के क्या आएगा, पी आएगा, देख लीजिए पी आ गया। ई में आएंगे तीन अल्फाबेट छोड़ के, दो अल्फाबेट छोड़ के ऑटोमेटिकली वो आपका सीक्वेंस बैठ जाएगा, ठीक है। एफ यू ओ एल, आप देख के समझ में आ गया कि एफ यू ओ एल आर आई ई वी, सीक्वेंस समझ में आ रहा है अपने पास, तो अपने क्या लिखना है, सैप को लिखना है, ठीक है। तो एस का क्या हो जाएगा, एस का क्या हो जाता है, एच हो जाता है, ए का जेड हो जाता है, और पी का क्या हो जाता है, पी का के, तो एच जेड के, दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है। यहां तक हुआ, अब क्या होता है, ये तुम्हारे पास ये अब है। अभी कुछ कुछ पैटर्न क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ जो एक्सटर्नल लेटेस्ट पैटर्न आया ना वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे साथ में बता देता हूँ। हमेशा कोई भी वीडियो रहेगा ना उसके लास्ट तक, उसको लास्ट के बाद में जो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे ना उसके बाद भी देखना है, ये आपके पास क्या बूस्टर फैक्टर होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो बीच में छोड़ देते हैं कि यार काम का नहीं है, तो लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। अभी जो एग्जाम का स्टैंडर्ड हो गया वो आपको पहले बता दें। जैसे अभी सपोज मैंने आपको यहां पर बोला कि आपको, सपोज मैं बोला कि जो सैप है ना, वो आपको जो सैप है उस सैप को मैं लिखा हूं 19 1 16, तो उसी क्वेश्चन पे अगर मुझे मान लो आरटीएम को लिखना है तो मैं उसी में आरटीएम को क्या लिखूंगा, ठीक। तो सम पोजिशन समझ में आ जाएगा कि एस 19 नंबर पर है, ए 1 नंबर पर है, और यहां पर क्या ये कितने नंबर पर है, ये हमारे पास क्या है 16 नंबर पर है। तो R को अपन देखेंगे तो 18 नंबर पर, T को हम देखें तो 20 नंबर पर, और M को हम देखें तो 13 नंबर पर, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब बहुत बार क्या करेगा कि ये आपको दिया है सैप को आपको लिखा है 10 1 7, तो अब हम ये देखें कि यहां पर ये जो दिया हुआ है 1 + 9 बनाया तो कितना बना 10 1, और यहां पर क्या बना 7। वैसे ये 1 और 8 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 2, और ये क्या बन जाएगा 4, ठीक। और ये आपको आगे ऐसा भी कर सकता है कि ये 1 + 0 यहां पर क्या करेगा, इसको 1 1 आपको यहां पर क्या लिखेगा 7, तो यहां पर अपने पास 2 मिला नहीं है, तो यहां पर आपको ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि यहां पर आपको ये तीनों को प्लस किया हो, या ये तीनों को आपको माइनस किया हो, या प्लस करके किसी नंबर से डिवाइड किया हो, किसी से इनटू किया हो, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन अल्फाबेट में आपको, अल्फाबेटिकल में आपको ये वाले पैटर्न आपको पूछ सकते हैं, ठीक। ज्यादा चांसेस आपके जो कोडिंग डिकोडिंग में जो आपको पहले पूछता था एकदम बेसिक वाला, आपको ऐसा नहीं पूछेगा। कहां कहां से पूछेगा, एक आपके पास इक्वेशनल डिकोडिंग हुआ वो आपको पूछेगा, उसके बाद आपको जो ऑपोजिट लेटर्स होते हैं आपको डिकोड करने का आपको वो पूछेगा, तीसरी बार क्या करेगा आपको डिकोड करेगा, लेकिन आपको सेम इसका इस जगह, इसका इस जगह, जैसे मतलब F का आपका U, O का आपका L, सेम जगह डिकोड करने के चांसेस आपके कम है। हो सकता है कि वो आपको डिकोड करके आगे के अल्फाबेट से करे या पीछे के अल्फाबेट से करे, लेकिन वो कहां पर करेगा, दूर दूर पर करेगा। जैसे यहां पर कोई चीज है आपका जिसको डिकोड करके आपको उसको इस जगह लिखा है, या फिर आपको डिकोड आपको क्रॉस इस तरीके से करेगा, तो आपको अलग अलग तरीके से डिकोड करेगा। और पेपर का लेवल बहुत बढ़ गया है अभी से बता रहा हूं, इंटेंस प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि सी सेट में रीजनिंग पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको निकालने के लिए। तो आज जो आपको जो वीडियोस बन रहे हैं आपके रीजनिंग के, बहुत शॉर्ट वीडियोस बनेंगे, और सिर्फ काम की वीडियो बनेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एग्जाम टाइम में सिर्फ उन्हीं चीज को देख सके और एग्जाम को क्रैक कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए